आज बना रहे हैं हम वाइट छोले। तो ये मैंने छोले तो उबाल दिए थे, देख सकते हो आप बिल्कुल उबल चुके अच्छे से। इसमें मैंने पानी, नमक और बस छोले तीन डाल के उबाल दिए थे। ये काट लिया जी मैंने मसाला। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, चार चीज़ें इसमें। दो प्याज काटी है, चार टमाटर काटे हैं, 8 से 10 हरी मिर्च है और एक गांठ जो होती है लहसुन की वो काटी है, क्योंकि सर्दियों में लहसुन खाया जाता है। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो आज बना रहे हम छोले चावल। ये हो गया भाई सिलेंडर ख़त्म। अब मैं इसको निकालती हूँ। दोनों हाथ से निकलेगा, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। मैंने इधर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब गैस ख़त्म हो गई, दूसरा सिलेंडर लगाती हूँ। ये उठा लाई भाई सिलेंडर, सास चढ़ गया। तो सिलेंडर को खोलने का भी तरीका सिखा देती हूँ मैं आपको। ऊपर जो इस पर टेप लगी होती है, मैं बाहरी खोल के आ गई, तो वो पहले टेप हटा दो। फिर ये धागा है ना, इस धागे को पूरा जोर लगा के ऐसे खींचोगे ना, और ऊपर की तरफ खींचोगे अपने, आसानी से निकल जाएगा। तो आप भी ऐसे इसको लगा सकते हो बिना किसी की मदद के। मैं घर में कोई ना हो तो आप बिना सिलेंडर के तो नहीं रह सकते ना, तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। अब ये लगा देती हूँ भाई मैं भाई। पाइप को भी कैसे लगाना होता है ये आप देख सकते हो ना। ये वाइट वाली जो है, इसको ऐसे ऊपर की साइड में करके इसको दबा के लगाओगे ना, बहुत आसानी से लग जाएगी। ये लगा दिया भाई सिलेंडर। अब कर देती हूँ गैस ऑन। ये हो गया हमारा सिलेंडर स्टार्ट। ओ, पानी भर गया, मैं मोटर बंद कराती हूँ। देखो कर देते हैं मोटर बंद, ये कर देते हैं मशीन ऑन। ये हमारा छोटी बेटा धूप के मजे ले रहा है। तेल हो गया भाई गरम। अब मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा। बिल्कुल इजी बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल एकदम, कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी। जीरा चटक गया हमारा। अब मैं डाल देती हूँ मसाला हमने पीसा था। ये भाई अब मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, अब मिर्च तो मैंने हरी वाली डाल दी थी, नमक मैंने छोले में भी डाल दिया था। अब ये सिर्फ इतना ही डालूंगी जितना मसाले में डलना चाहिए। अब इसको कर लेते हैं एक बार मिक्स। अब डाल दे इसमें कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, और ये डाल दिया मैंने 1 ही चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच से भी कम ही है बस। और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इसमें थोड़ी आवाज़ आ रही थी फ़ोन में, इसलिए वीडियो मैंने बंद कर दिया। और अभी ऑन कर दूंगी ना, ऐसे ही चल रहा है पानी तो इतने ले रहा है। अब ये कर दिया भाई मिक्स। अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता,
मसाले से, तब तक पकने देंगे, फिर डाल दूंगी मैं छोले, निकाल लिए मैंने। और यहाँ चढ़ा दिया मैंने राइस, 2 गिलास चावल में 4 गिलास पानी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, इसमें लग जाएगी 2 सीटी, ये तैयार हो जाएगा। और इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हो भाई, बिल्कुल अच्छे से भुन चुका हमारा मसाला। अब मैं डाल देती हूँ इसमें छोले, इनको कर देते हैं मिक्स एक बार। भाई इसका छोले का ही पानी है मैंने इसमें डाल दिया था अलग से, अब मैं डाल देती है तो सारा डलेगा छोले का पानी, क्योंकि वैसे भी मैं तरी की बना रही हूँ, क्योंकि छोले चावल है साथ में, इसलिए तरी अच्छी लगती है। या आपको भटूरे वगैरह बनाने हैं तो वो थोड़ी सी अलग से बनेगी, सूखी भी बनती है, अलग से रेसिपी बनती है उसकी। भाई इसमें आने दो एक बार उबाल, फिर देखते हैं। इस टाइम आप नमक मिर्च भी चख सकते हो, कम बत्ती लगता है तो आपको उसको भी एडजस्ट कर लो। अब उबालने देते हैं इसको। ये बैठा भाई हमारा छोटू, आज इसको बांध रखा है क्योंकि वो आरओ की सर्विस वाला आया हुआ है। और ये मैं बना रही छोटू का खाना, तो राइस हो गए ठंडे, इसमें मिला दिए मैंने 2 अंडे। अब छोटू के देखना कैसे कैसे जी बुलाते हैं ऐसे खाना देख के। तो ये साहब है भाई हमारे घर का, देखो अब ये कर देगा फिनिश हमारे छोटू के लिए। और ये रखे इसके बिस्किट, ये भाई हमारे राइस तैयार है, मैंने छोटू के दे दिए थे। इधर हमारी सब्जी तैयार है और किचन में आ गया आरओ वाला सर्विस के लिए, तो अभी मैं और कुछ बना नहीं पाई, पापड़ वगैरह, तो अभी इसी को हम खा लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया, 3:30 हो गए, 4:15 हो गया आज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।